हाय दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको वैम्पायर के बारे में जानकारी देंगे। बहुत से लोग वैम्पायर के बारे में अच्छे से जानते हैं, पर कुछ लोग वैम्पायर के बारे में बिल्कुल नहीं जानते। तो इस वीडियो में हम आपको वैम्पायर के बारे में कुछ रोचक तथ्य बताएंगे। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, और हाँ, अगर वीडियो पसंद आए तो लास्ट में लाइक जरूर कर दीजिए। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। एक अध्ययन में पाया गया है कि बीमार होने पर वैम्पायर चमगादड़ भी इंसान की तरह कमज़ोर महसूस करते हैं और खुद को आइसोलेट कर लेते हैं। बीमारी की हालत में चमगादड़ भी अपने साथियों से कमजोरी की वजह से अलग हो जाते हैं। चमगादड़ हमेशा से ही मनुष्य के लिए एक रहस्यमय जीव रहा है, लेकिन आधुनिक विज्ञान ने इनके बारे में जानकारी हासिल कर बहुत सी भ्रांतियां दूर की हैं। देखने में ये जीव बहुत ही डरावने लगते हैं, लेकिन ये स्तनपायी जीव सामाजिक प्राणी हैं। ये साथ रहना पसंद करते हैं और अपने समूह से अलग होने पर दूसरों को अलग आवाज़ से सूचित भी कर लेते हैं। ताज़ा शोध में इनके बारे में एक और जानकारी मिली है कि जब भी बीमार होते हैं तो खुद को दूसरे साथियों से अलग कर लेते हैं। नए शोध के मुताबिक आमतौर पर जब भी वैम्पायर चमगादड़ बीमार होते हैं तो वो दूसरों को बुलाना बंद कर देते हैं और अपने समूह से कम ही अंतर्क्रिया करते हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स के लेख के अनुसार अभी तक इस क्रिया को सोशल डिस्टेंसिंग की तरह माना जाता था, लेकिन अब पता चला है कि ऐसा वे जानबूझकर नहीं करते। इस अध्ययन के नतीजे पिछले सप्ताह ही बायोलॉजी लेटर्स में प्रकाशित हुए हैं। चमगादड़ प्राय कीट पतंग और फल फूल खाते हैं। कीट बख्शी चमगादड़ उड़ते उड़ते छोटे छोटे कीड़ों को झपट्टा मारकर पकड़ लेता है और उसी समय नीचे उतरकर उन्हें खाने लग जाता है। फलाहारी चमगादड़ पेड़ों पर ही अथवा अपने अड्डे पर फल लाकर खाता है। चमगादड़ बड़े ही पेटू होते हैं। आमतौर पर चमगादड़ अंधेरे में शिकार को खोजने और फिर उस तक पहुंचने के लिए मुंह से तेज गति की ध्वनि तरंगे निकालता है। इसे एकोलोकेशनल प्रक्रिया कहते हैं। जैसे जैसे शिकार नज़दीक आता है, ये तरंगे तेज हो जाती हैं। चमगादड़ को लेके आपके मन में भी एक सवाल तो जरूर आता होगा कि चमगादड़ को दिखाई देता है या नहीं। तो आपको बता दें कि इस प्राणी की आंखें होती हैं और इसे दिन की तुलना में रात के समय ज़्यादा दिखाई देता है। दिन में यह रोशनी के कारण बहुत कम देख पाते हैं, इसीलिए यह रात को ही शिकार करते हैं। वैम्पायर चमगादड़ों के डीएनए के विश्लेषण से इस बात के संकेत मिले हैं कि वे सिर्फ खून पीकर किस तरह से जी लेते हैं। वैम्पायर चमगादड़ हर दिन अपने वजन के आधे के बराबर खून पीते हैं और ये फल फूल और कीड़े मकोड़े खाने वाले जीवों की श्रेणी में भी आते हैं, पर उनसे बिल्कुल अलग होते हैं। इनके खून में कम पोषक तत्व होते हैं और ये घातक वायरस के लिए पोषणकारी होते हैं। प्रतिरोधक क्षमता और पाचन के मामले में अन्य चमगादड़ों के मुकाबले वैम्पायर चमगादड़ के जीन अलग तरह से ही काम करते हैं। क्या होते हैं वैम्पायर चमगादड़? अधिकतर चमगादड़ कीड़े मकोड़े खाते हैं। गर्म स्थानों पर रहने वाले चमगादड़ फल फूल खाकर ही जिंदा रह लेते हैं। कुछ चमगादड़ ऐसे भी होते हैं जो दूसरे जानवरों का खून पीकर जिंदा रहते हैं। इनको वैम्पायर चमगादड़ कहा जाता है। इन्हीं से प्रेरणा लेकर वैम्पायर फिल्म भी बनी थी। हालांकि लोगों में गलत धारणा यह है कि सभी चमगादड़ खून पीते हैं, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। क्या आपको पता है कि वैम्पायर चमगादड़ आदमी तक पर भी हमला कर देते हैं? ज़्यादातर लोग इसलिए चमगादड़ों से डरते हैं कि वो खून पीते हैं। वैसे खून पीने वाले वैम्पायर चमगादड़ कुछ बड़े आकार के होते हैं। वो 30 सेंटीमीटर तक के होते हैं। इनके दांत सुई की तरह तेज होते हैं। ये अपने इन्हीं दांतों में से किसी भी जानवर के खाल में छेद कर देते हैं और अपनी जीभ की मदद से उसका खून पी लेते हैं। ये चमगादड़ सोते हुए आदमी पर भी हमला करके उनका खून पी जाते हैं। आमतौर पर ये गाय, मुर्गा, घोड़े आदि का खून भी पीते हैं। चमगादड़ की एक और खासियत यह होती है कि वह आराम की स्थिति में पेड़ों की टहनियों से उल्टा लटक जाते हैं, यानी उनका सर नीचे की ओर होता है और पिछली टांगों के बल पर ये टहनी को जकड़े रहते हैं। चमगादड़ के अंगों की बनावट ऐसी होती है कि ये सीधा खड़ा नहीं हो सकते, लिहाजा इन्हें उल्टा लटकने में ही आसानी रहती है। तो दोस्तों, ये थी चमगादड़ के बारे में जानकारी। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी।
अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ऐसी ही और वीडियो देखने के लिए। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों, अपना ख्याल रखना।